जिसने तुम्हें बनाया। वैसे उसका नाम क्या है? नल। नल एक बहुत ही बड़ा विलन है एंड अगर सोनी इसका सही से यूज करता है तो एवेंजर्स लेवल की मूवीज बनाई जा सकती है। और नल जैसे गॉड लाइक एंटिटी को दिखाकर सोनी ने वेनम की मूवीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम नल से जुड़े ही एक बहुत ही खतरनाक इवेंट जो कि मार्वल की कॉमिक्स में कभी हुआ था उसकी कहानी को जानने वाले हैं। और ये इवेंट था किंग इन ब्लैक। स्टोरी बहुत ही ज्यादा बड़ी है पर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नल से जुड़ी स्टोरी को ही एक्सप्लेन करेंगे और ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर ही देखना। नल की ओरिजिन के बारे में तो आप में से हर कोई जानता ही है और ये कहानी नल की ओरिजिन से आगे की ही हम शुरू करेंगे। नल की स्टोरी के आखिर में हुआ ये था कि उसके सभी सिम्बियोट्स ने ही नल को क्लिंटार प्लैनेट पे ही कैद कर लिया था पर अब नल आजाद हो चुका है और अपने लाखों सिम्बियोट्स के साथ उसने बहुत सारी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। वो यहाँ पर एडी ब्रॉक के बच्चे को लेने के लिए आया था क्योंकि उसके पास भी नल की तरह ही पावर्स थी और वो नल के लिए फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता था। नल अपने करोड़ों सिम्बियोट्स को लेके अर्थ की ओर आ रहा था पर एडी ब्रॉक इस खतरे के बारे में पहले ही जान गया था इसीलिए वो एवेंजर्स को इसके बारे में बता देता है। एडी ब्रॉक सभी एवेंजर्स को अपने साथ ले आता है क्योंकि नल एक बहुत ही बड़ा खतरा था और सारे एवेंजर्स एक साथ हो जाते हैं और इसमें वो सारे ही सुपर हीरोज थे जो कभी एवेंजर्स रहे हो या उनके पास सुपर हीरोज वाली पावर्स हो। और एडी ब्रॉक अपने बच्चे डिनल ब्रॉक के पास जाता है और उसे एक बंकर में कैद कर देता है और वो उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है क्योंकि नल उसी के लिए यहाँ पर आ रहा था। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन भी उन सिम्बियोट्स पर नजर रखने लगते हैं और आयरन मैन भी काफी सारे सिम्बियोट्स को मार देता है पर ये तो नल की आर्मी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। अभी तो कहानी शुरू हुई है और इसी के साथ ही नल अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेकर अर्थ के अंदर घुस जाता है। नल की आर्मी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उन सिम्बियोट्स ने अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया था। सूरज की धूप भी अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी और ये देखकर कैप्टन अमेरिका सभी एवेंजर्स को लेकर सिम्बियोट्स का सामना करने के लिए निकल जाते हैं। इसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, फैंटास्टिक फोर और यहाँ तक कि एक्समैन के मेंबर्स भी शामिल थे पर ये सारे सुपर हीरोज भी कम पड़ रहे थे नल की सिम्बियोटिक आर्मी के सामने। इन सुपर हीरोज ने बहुत सारे सिम्बियोट्स को मार तो दिया था बट इसके बाद ये बहुत ही बड़ा और खतरनाक नजारा देखते हैं क्योंकि इनके सामने नल के द्वारा कंट्रोल किए हुए सिम्बियोटिक सेलेस्टियल्स आ जाते हैं और वहां पे ऐसा कोई भी सुपर हीरोज नहीं था जो कि सिम्बियोटिक सेलेस्टियल्स का सामना कर सके। वहां पे नल भी आ जाता है और इन सभी सुपर हीरोज से कहता है आज मैं तुम्हारी दुनिया को खत्म करने के लिए आया हूँ। पर तभी कैप्टन अमेरिका भी आयरन मैन को हीरो को बुलाने के लिए कहते हैं जो कि अभी तक नहीं आया था और तभी हम देखते हैं कि वहां पे सेंट्री लाइट की स्पीड के साथ एक सेलेस्टियल को मार देता है। अब ये बैटल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी क्योंकि यहां पे सेंट्री आ गया था जो कि अर्थ का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और फिर सेंट्री नल को पकड़ के भी उसे हवा में ले जाता है पर तभी नल भी सेंट्री से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। और ये कहते ही नल सेंट्री को पकड़ के उसके दो पीसेस कर देता है और कहता है कि तुम जिस वॉइड से डरते हो वो वॉइड मेरे सामने सर झुकाता है और ये कहकर सेंट्री के अंदर से निकले वॉइड को ही खा जाता है। इस नजारे को देखकर वहां नीचे खड़ा ऑलमोस्ट हर एक सुपर हीरो ही काम जाता है क्योंकि सेंट्री का ये हाल पहली बार किसी ने किया था। और ये सब नजारों को देखकर एडी ब्रॉक भी ये सोचता है कि अगर वो खुद को नल को सौंप देगा तो नल ये सब करना बंद कर देगा और इसलिए एडी ब्रॉक अपने वेनम सिम्बियोट के जरिए नल से टेलीपैथिकल कनेक्शन बनाता है जिसकी वजह से नल को पता चल जाता है कि एडी ब्रॉक कहाँ पर है और वो अपने सिम्बियोट्स को कहता है कि वो एडी ब्रॉक को उसके पास ले आए। एडी ब्रॉक नल के पास आ गया था और वो उससे कहता है कि तुम्हें यही चाहिए था ना, तो अब यहाँ से चले जाओ। पर तभी नल कहता है कि मैं ब्रॉक को लेने के लिए तो आया हूँ पर एडी ब्रॉक के लिए नहीं। और तभी एडी ब्रॉक भी समझ जाता है कि वो उसके बेटे डिनल ब्रॉक के लिए यहाँ पर आया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एडी ब्रॉक का बेटा था उसके पास भी नल जैसी ही कुछ पावर्स थी जिससे कि वो सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है हाई माइंड से और उन्हें एटॉमिक लेवल पर डिसइंटीग्रेट भी कर सकता है। अब एडी ब्रॉक ये करने के लिए तैयार नहीं था इसलिए वो नल से कहता है कि तुम मुझे ले जाओ। नल कहता है कि पहले मैं तुमसे अपना बच्चा लूंगा और फिर तुम्हारा। और ये कहकर ही नल एडी ब्रॉक से सिम्बियोट वेनम को बाहर निकाल लेता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। इतनी ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से एडी ब्रॉक की हालत ऑलमोस्ट मरने की हो जाती है और इसीलिए स्पाइडर मैन उसे मिस्टर फैंटास्टिक की सीक्रेट लैब में ले जाता है जहाँ पे उसे
ताकि वो लोग उसकी जान बचा सके। एडी ब्रॉक का बच्चा डिनल ब्रॉक भी वहाँ पर आ गया था और इसके बाद वहाँ पे आयरन मैन भी एक छोटे से सिम्बियोट को लेकर आता है ताकि वो एडी से बॉन्ड बनाकर उसे ठीक कर दे। पर जैसे ही वो सिम्बियोट एडी ब्रॉक से बॉन्ड बनाता है उसकी सांसें और भी जोर से चलने लगती है। वो लोग उसको अलग करने की कोशिश करते हैं पर वो ये कर नहीं पाते और तभी डिनल ब्रॉक गुस्से से कहता है कि हट जाओ यहाँ से, कि कहते ही वो सिम्बियोट खत्म हो जाता है। ये देखकर आयरन मैन भी कहता है कि डिनल तुम्हारे पास तो काफी अच्छी पावर्स है, तुम्हें भी हमारे साथ आकर लड़ाई करनी चाहिए। तभी वहां पे उन्हें एक बीप की साउंड सुनाई देती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एडी ब्रॉक अब मर चुका है। और इसके बाद सारे एवेंजर्स नल की आर्मी का सामना करने के लिए वहां से चले जाते हैं। स्पाइडरमैन भी किसी तरह से एडी ब्रॉक के बेटे को समझा लेता है और वो भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सारे एवेंजर्स नल की सिम्बियोटिक आर्मी के सामने थे, वहाँ पे डिनल भी उनके साथ था जो कि अपनी पावर्स का यूज कर रहा था। पर तभी उसके सामने कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं जो कि नल के कंट्रोल में थे। नल ने अपने सिम्बियोट से काफी सारे सुपर हीरोज को कंट्रोल कर लिया था। कैप्टन अमेरिका के जरिए नल डिनल से कहता है कि ये सब करके तुम मुझे रोक नहीं सकते बच्चे। पर तभी डिनल अपनी पावर्स को यूज करके कैप्टन अमेरिका से उस सिम्बियोट को अलग कर देता है, और क्योंकि उस सिम्बियोट से नल भी जुड़ा था इसीलिए उसे भी एक झटका लगता है। इसके बाद गुस्से में आकर नल अपने बड़े से सिम्बियोटिक हाथ से डिनल को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके बड़े से सिम्बियोटिक हाथ पर एक थंडर स्ट्राइक होती है और इससे नल को एक बहुत ही जोरदार बिजली का झटका लगता है। नल भी कहता है कि ये झटका मैंने पहले भी सहा है। और हम देखते हैं कि वहां पे गॉड ऑफ थंडर आ गया था। इसके बाद नल और थोर आपस में लड़ने लगते हैं। इनकी बैटल काफी खतरनाक थी जहाँ पे थोर अपने हैमर से नल के जबड़े को ही तोड़ देता है। पर इसके बाद ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पे सेलेस्टियल्स थे वो नल के कंट्रोल में थे इसीलिए वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये सब चीजें ऑब्वियसली उनसे नल ही करवा रहा था। थॉर आसमान की तरफ देख रहा था और ये मौका उठाकर नल अपनी नेक्रो स्वॉर्ड निकालता है और थॉर को पीछे से स्टैब कर देता है। नल ने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड को थॉर के आर पार कर दिया था। थॉर को बुरी तरह से जख्मी करने के बाद नल डिनल से कहता है कि बच्चे तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नल डिनल को अपने हाई माइंड में ले जाता है जहाँ पे वो उससे कहता है कि बच्चे तुम खास हो, तुम्हारा जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, पर तुम जानते ही हो कि जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की उनका हाल क्या हुआ, और इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। पर तभी डिनल को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि डिनल तुम अपनी पावर से नल को एक जोरदार शॉक दो, क्योंकि अपने हाई माइंड के जरिए वो सभी सिम्बियोट से जुड़ा हुआ है, अगर तुम उसे एक शॉक दोगे तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। नल को ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी इसीलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है डिनल की ओर उसे अपनी ओर करने के लिए। पर डिनल अपनी पावर से नल को एक जोरदार शॉक देता है जिसकी वजह से नल का कनेक्शन बाकी सभी सिम्बियोट्स के साथ टूट जाता है और वहां पे जो भी नल के कंट्रोल में था वो उससे आजाद हो जाता है। ये सब देखकर नल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और डिनल को मारने की कोशिश करता है। पर तभी जो आवाज डिनल को सुनाई दे रही थी वो नल को भी सुनाई देने लगी। वो उससे कहती है कि ये अकेला नहीं है। नल भी कहता है कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। वो आवाज अब नल के माइंड के अंदर ही घुस गई थी। और तभी हम जीन ग्रे को देखते हैं जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और वो अब नल के दिमाग के अंदर जाकर उसकी पुरानी मेमोरीज को देख रही थी। और तभी जीन ग्रे को पता लगता है कि नल खुद को गॉड ऑफ डार्कनेस कहता है, पर डार्कनेस तो नल के पहले से भी एग्जिस्ट करती आ रही है। वो देखती है कि नल से उल्टा एक और चीज है जो कि है गॉड ऑफ लाइट, और ये एंटिटी इतना पावरफुल है कि ये नल को भी मार सकता है। और इसका सामना एक बार नल से हो चुका है। उस टाइम पे गॉड ऑफ लाइट एक बच्चा था, उसके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस था। उसने एक गॉड के अंदर जाकर नल का सामना भी किया पर छोटा होने की वजह से और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से वो नल को हरा नहीं पाया। नल ने गॉड ऑफ लाइट के होस्ट को मार दिया पर गॉड ऑफ लाइट अभी भी जिंदा है और अभी तक वो एक परफेक्ट होस्ट को ढूंढ रही है। और ये सब देखने के बाद जीन ग्रे भी कहती है कि नल को सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है और वो यही आसपास है, अर्थ के बहुत ही आसपास। और इसके बाद हम सिल्वर सर्फर को देखते हैं जो कि टेलीपैथिकली जीन ग्रे से कनेक्शन बनाता है और उससे कहता है कि मैं उसे देख पा रहा हूँ, वो यहीं पर है। नल की सिम्बियोटिक आर्मी ने अर्थ को घेर लिया इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहा, पर मैं अपनी पावर से उसे अंदर ले आ सकता हूँ। और तभी सिल्वर सर्फर अपनी पावर से गॉड ऑफ लाइट को अर्थ के अंदर ले आता है और अर्थ के अंदर लाकर उस लाइट को वो छोड़ देता है ताकि वो अपना होस्ट ढूंढ सके। और इसके बाद वो लाइट सीधा ही एडी ब्रॉक के पास जाती है और उससे कहती है कि एडी
तुम्हें चुना गया है। हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर भी नल का सामना करने के लिए तैयार हो गया था और अपने सर्फर बोर्ड को वो एक स्वॉर्ड में बदल देता है। थॉर भी नल का सामना करने के लिए तैयार था, पर तभी वहां पर एडी ब्रॉक का वेनम आ जाता है जिसके पास की गॉड ऑफ लाइट की पावर्स थी। एडी को देखकर नल कहता है कि गॉड ऑफ लाइट, तुमने एक कमजोर इंसान को चुना है, मैं इसे पहले भी मार चुका हूँ और अब भी मैं इसे मार दूंगा। ये सुनकर गॉड ऑफ लाइट भी कहती है कि ये तुम्हारी गलत फैमिली है, क्योंकि जब भी तुमने मेरा सामना किया है मैंने कभी भी अपनी फुल पावर्स को यूज ही नहीं किया। और इसके बाद वो सिल्वर सर्फर की स्वॉर्ड और थॉर के हैमर को अपने पास भी बुला लेता है और उन दोनों को कंबाइन करके एक अल्टीमेट वेपन बना लेता है। ये वेपन यूनिवर्स की दो सबसे पावरफुल चीजों को मिलाकर बनाया गया था और इसे देखकर नल की भी फटके चार हो जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है और अपनी सिम्बियोटिक आर्मी को वेनम का सामना करने के लिए छोड़ देता है, पर वेनम के सामने वो लिटरली कुछ भी नहीं थे। नल अपनी स्वॉर्ड को भी वेनम के आर पार कर देता है, बट वेनम इसका लिटरली कोई भी असर नहीं होता। वो नल की स्वॉर्ड को पकड़ कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वेनम नल को ही पकड़ लेता है, उसके अंदर अपना एक्स घुसा देता है और नल की बॉडी से जुड़े हुए सिम्बियोट को उससे अलग कर देता है। इसके बाद वो नल को भी उतनी ही ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। नल लेडी से भी कहता है कि आज तुम मुझे मार तो दोगे, पर तुम डार्कनेस को कभी खत्म नहीं कर सकते और तुम उस डार्कनेस का क्या करोगे जो तुम्हारे बेटे के अंदर है। सुनकर लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नल को पकड़ कर उसे स्पेस में ले जाता है। वो नल को सूरज के इतना नजदीक ले जाता है कि वहां पे नल की बॉडी जलकर खत्म हो जाती है। और ये सब काम खत्म होने के बाद गॉड ऑफ लाइट भी एडी की बॉडी से अलग हो जाता है और वहां से चला जाता है।